सो वेलकम बैक गैस, कैसे हो सभी लोग। टेकल प्लस यूट्यूब चैनल के एक शानदार वीडियो में गैस आपका फिर से स्वागत है। गैस इस वीडियो के अंदर बात करेंगे स्टार शप मूवी चैनल को लेकर। जी हाँ दोस्तों, स्टार शप मूवीज भी आपके लिए काफ़ी अच्छी खासी न्यू मूवीज प्रीमियर कर रहा है। तो ऐसे में दोस्तों राम सेतु मूवी की जो कंफर्म रिलीज डेट है आ चुकी है और ये स्टार शो मूवीज पर देखने को मिलने जा रही है। दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाह रहे थे स्टार शो मूवीज पर, तो जानेंगे पूरी जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को एंड तक वॉच जरूर कीजिएगा। उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके फिर नोटिफिकेशन बिल को प्रेस कर दीजिए। इसी प्रकार की वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो गाइस बात करें स्टार शो मूवीज चैनल को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी के बारे में हम बात करें तो उस मूवी का नाम है राम सेतु एंड इस मूवी को रिलीज किया गया था 23-25 अक्टूबर कुछ ऐसे 2022 में इस मूवी को रिलीज किया गया था। एंड वहीं पर इस मूवी की जो रेटिंग थी लगभग 5.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग है। कुछ मूवी खास कमाल नहीं कर पाई थी, कुछ ऐसी मूवी रही है। एंड इसका मूवी का ऑलरेडी प्रीमियर हो चुका है स्टार गोल्ड चैनल पर, जो कि वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर हुआ है। एंड स्टार गोल्ड 2 पर भी देखने को मिल चुकी। तो कहीं ना कहीं काफ़ी टाइम बाद स्टार शो मूवीज ने प्रीमियर के लिए इसे तो पहले ही कर देनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी आ चुकी मूवी। अगर डेट को लेकर बात कर लें तो प्रोमो जारी कर दी गई और ये 24 अक्टूबर को शाम के 7 बजे जो मूवी है आपको देखने को मिल जाएगी स्टार शो मूवी चैनल पर, जिसके कि प्रोमो जारी कर दिया गया है। वहीं पर ये मूवी स्टार शो मूवीज पर पहली बार देखने को मिल रही है। तो आने वाले टाइम में दोस्तों और भी जो मूवीज हैं स्टार शो मूवीज पर देखने को मिल जाएंगे। तो फिलहाल इस मूवी को आप भी देखने के लिए एक्साइटेड हैं या फिर नहीं, तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में एक बार हमें जरूर बताएगा। मिलते हैं आप सभी से किसी नेक्स्ट शानदार वीडियो में। तो आने वाले इस टाइम में आपके लिए मैं ऐसी बहुत सारी मूवीज की अपडेट लेकर आने वाला हूँ। तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को प्रेस कर लो, जिससे हर एक वीडियो की जानकारी आप तक पहुँच रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।